नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी राठौर। देश के प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर की पुस्तक को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कहना है कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनसे वे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ये बात गलत है कि प्रधानमंत्री हाउस से सोनिया गांधी के निवास पर फाइलें जाती थी। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिवंगत पत्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुलदीप नैयर की आखिरी किताब के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने से किनारा कर गए। जी हाँ, किस्सा ये है कि मशहूर पत्रकार नैयर की किताब ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी के एक चैप्टर में मनमोहन के मूत प्रधानमंत्री रहते सरकारी फाइलें 10 जनपद तक जाने का जिक्र था। यूपीए कार्यकाल में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया का आवास 10 जनपद खासा प्रसिद्ध हो गया था। आरोप यह था कि सरकारी फाइलें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के आवास से होकर गुजरा करती थी। 10 जनपद में किताब में फाइलों जाने के जिक्र पर पूर्व प्रधानमंत्री ने नैयर की पत्नी भारती को एक पत्र के जरिए इससे अवगत कराया। उन्होंने कहा किताब में जो लिखा गया वो सच नहीं है, इसलिए बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए शर्मनाक होगा। इस मामले में दिवंगत पत्रकार के बेटे राजीव नैयर ने कहा, मेरे पिता को विवादों को छेड़ना पसंद था और उन्होंने विवाद को जन्म दिया, क्योंकि मूल रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात को स्वीकार किया था, मगर किताब पढ़ने के बाद उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। राजीव ने पूर्व पीएम का एक पत्र भी पढ़ा जो फरवरी में लिखा गया। इसमें लिखा था कि किताब के एक चैप्टर में मेरे बारे में बात की गई। पेज नंबर 172 पर मुझे संदर्भ मिला कि प्रधानमंत्री के मेरे कार्यकाल के चलते सरकारी फाइलें सोनिया के आवास पर जाती थी। यह बयान सच नहीं है और कुलदीप ने कभी मुझसे इस बात की पुष्टि नहीं की। इसके चलते 8 फरवरी को किताब लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होना शर्मनाक लगेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।